हेलो, आज की जो वीडियो है बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं कर रहा हूँ और एक छोटी सी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज का। सो जानकारी ये है, सैलेड के बेनिफिट्स तो हम सबको पता है कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं सैलेड के। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद मैं भी काफ़ी टाइम से मिस कर रहा था, मे बी शायद मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी जो है रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया एक चीज़ कि सैलेड में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। जिस भी किसी फल फ्रूट या सब्जियों में जब हम उसको बिना पकाए हुए खाते हैं तो उसमें एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाने में सहायता करते हैं। सो अगर आप एक चीज़ चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने अपने पिछली जो अपनी डाइट शेयर की थी तो उसमें आप सबको बताया था कि मेरा सैलेड का कोई टाइम नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं सैलेड नहीं खाता हूँ, सिर्फ ग्रीन जूस और फ्रूट्स ही ले रहा हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने सैलेड अपनी डाइट में ऐड किया है और उसका जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो है कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। रीज़न ये है, ये पता कैसे चला, जब मैं सैलेड खा के खाना खाता हूँ, मान लो अभी खाया सैलेड और 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मिलेट्स खाता हूँ, तो एक तो वो डाइजेस्ट बहुत क्विकली होता है और जो खाने की जो मात्रा है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, मिलेट अगर आप मान लो 50 या 75 ग्राम खा रहे हैं तो आप 100 ग्राम तक खा पाएंगे। सो जो ईटिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और जो है वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है। सो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि सैलेड में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यानी कि देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हुआ है बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लैक ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्योंकि एंजाइम्स और बैक्टीरिया यही दो चीज़ें होती है जो खाने को पचाती है, और जब हमें बाहर से एंजाइम्स मिल जाए सैलेड के थ्रू तो फिर क्या कहने, है ना। सो बॉडी की जो शक्ति होती है डाइजेस्ट करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो डबल हो जाती है। सो जब भी आप मिलेट्स खाएं उससे पहले एक बाउल दो बाउल भर के, पूरा पेट जो है भर के आप उसे खाएं और आप देखेंगे कि आपको आधे घंटे के अंदर दोबारा भूख लगेगा और आप फिर फुल पेट जो है आप फुल पेट आप मिलेट्स खा पाएंगे।